फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे कुछ अंदर की बातें जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जिसे है इंग्लिश से प्यार वो कैसे कर सकता है ऐसे वर्ड्स से इनकार। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं और आपको टॉप पर जाने में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो आइए फ्रेंड्स, इस लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, लाइक और एज दोनों का मतलब होता है कि जैसा या समान। इनके मीनिंग एक जैसे तो हैं, बट इनका इस्तेमाल बहुत डिफरेंट है। जहाँ लाइक का इस्तेमाल होता है वहाँ एज का नहीं होता, और जहाँ एज का यूज होता है वहाँ लाइक का नहीं होता। जैसे आइए सबसे पहले इनका इस्तेमाल एक प्रीपोजिशन के रूप में देखते हैं। फ्रेंड्स, लाइक का यूज आप नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड के पहले करते हैं, लेकिन अगर हम बात एज की करें तो एज का यूज आप सिर्फ नाउन के पहले करते हैं, प्रोनाउन या जीरेंड के पहले नहीं कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो इनके मीनिंग में कुछ अलग होते हैं, यानी इनके सेंस एक जैसे नहीं होते, इनमें बहुत फर्क है। क्या फर्क है, आइए एग्जाम्पल में देखें। सबसे पहले हम एज का एग्जाम्पल देखते हैं। आई वर्कड एज अ स्लेव, इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं एक गुलाम के जैसे काम किया। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इस सेंटेंस का अंदरूनी मीनिंग है आई वॉज अ स्लेव, यानी मैं एक गुलाम था। तो फ्रेंड्स, आई वर्कड एज अ स्लेव यानी आई वॉज अ स्लेव, मैं एक गुलाम था। उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ आई वर्क एज अ टीचर, तो इसका मतलब हुआ कि मैं एक टीचर के जैसे काम करता हूँ या मैं एक टीचर के रूप में काम करता हूँ। और इस सेंटेंस का अंदरूनी मीनिंग है कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। सी वर्क्स एज अ डॉक्टर, यानी वो एक डॉक्टर के रूप में काम करती है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का अंदरूनी मीनिंग है सी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बात लाइक की करें, जैसे आई वर्कड लाइक अ स्लेव, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ मैं एक गुलाम के जैसे काम किया। लेकिन गौर करने की बात यह है कि इसका अंदरूनी मीनिंग ये होता है आई वॉज अ फ्री मैन, मैं एक आजाद इंसान था, यानी आई वॉज नॉट अ स्लेव, मैं कोई गुलाम नहीं था। बट आई वर्क वेरी हार्ड लाइक अ स्लेव, लेकिन मुझे एक गुलाम की जैसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो फ्रेंड्स, जब आप कहते हैं लाइक अ स्लेव, तो यहाँ मतलब ये होता है कि मैं एक गुलाम नहीं था, लेकिन एक गुलाम के जैसा मुझे काम करना पड़ा। जैसे अगर मैं कहूँ आई वर्कड लाइक अ नर्स, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मैं एक नर्स के रूप में काम किया या मैं एक नर्स के जैसा काम किया। लेकिन फ्रेंड्स, चूंकि मैंने बोला है लाइक, तो इस सेंटेंस का अंदरूनी मीनिंग हुआ आई वॉज नॉट अ नर्स बट आई वर्कड लाइक अ नर्स, मैं एक नर्स नहीं था लेकिन मैंने एक नर्स के जैसे काम किया। तो फ्रेंड्स, जब लाइक का इस्तेमाल आप किसी प्रेपोजिशन के जैसे करते हैं तो वहाँ लाइक का ये मतलब होता है कि मैं वो चीज नहीं था लेकिन मैंने उसके जैसे काम किया। वहीं दूसरी तरफ जब एज का इस्तेमाल आप प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं तो एज का ये मतलब होता है कि मैं वही था जो मैंने यहाँ पर बताया। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि अगर आप कंफ्यूज हो तो आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सके। He works as a leader. वो एक लीडर के रूप में काम करता है, यानी वो एक नेता के रूप में काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा as, तो इस सेंटेंस का अंदरूनी मीनिंग है He is a leader. वो एक नेता है, इसीलिए वो एक नेता के शक्ल में काम करता है या वो एक नेता के जैसे काम करता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ He works like a leader, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि वह एक लीडर के जैसे काम करता है। लेकिन इस सेंटेंस का अंदरूनी मीनिंग हुआ He is not a leader, वो एक नेता नहीं है, but he has to work like a leader, लेकिन उसे एक नेता के जैसे काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक और एज का इस्तेमाल प्रीपोजिशन के रूप में सीखे कि इनका क्या मीनिंग है और इनका करेक्ट यूज क्या है। आइए फ्रेंड्स, अगला रूल देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात कंजंक्शंस की करें तो मैं आपसे कहूंगा सब्जेक्ट के पहले लाइक का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन अगर बात एज की करें तो सब्जेक्ट के पहले एज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ये सेंटेंस रॉन्ग है जबकि ये वाला करेक्ट है। He thinks as I do. तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आई एक सब्जेक्ट है जिसके पहले आया है एज, तो यहाँ पर एज का यूज सब्जेक्ट के पहले हुआ है जो सही है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है आई और आई के पहले आया है लाइक, जो कि गलत है, क्योंकि कंजंक्शन के रूप में सब्जेक्ट के पहले लाइक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आप एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब अगला रूल देखें।
फ्रेंड्स, लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, वहीं दूसरी तरफ एज के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। जैसे अगर हम बात लाइक की करें तो लाइक के बाद आप मी, हिम, हर, देम, अस का यूज करेंगे, लेकिन अगर बात एज की हो तो आप एज के बाद मी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आपको आई का करना होगा, ही, शी, दे और वी का करना होगा। अगर गलती से आप एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस या लाइक के बाद सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे तो आपके सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ही राइट्स एज आई, यहाँ एज के बाद मैंने सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। ही राइट्स लाइक मी, यहाँ पर लाइक के बाद मैंने ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं लाइक के बाद आई लिख दूं या एज के बाद मी लिख दूं तो ये सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि इन सभी वर्ड्स के साथ सिर्फ एज का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब कभी भी इन वर्ड्स के बाद आपको के जैसा या के रूप में या के समान की इंग्लिश लिखनी हो तो आप एज लिखा करें, लाइक नहीं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके कमेंट से मुझे खुशी मिलती है।